नमस्कार, आपको फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और मैं आपका दोस्त कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूँ 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों को लेकर के। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले दिन जब हम हाजिर हो तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। और आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये कि MTS के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन शुरू। अगर 24 अप्रैल तक मद्रास हाईकोर्ट विचार नहीं करता है तो हट जाएगा टिकटॉक पर से बैन, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। IPL 2019 के मद्देनजर राहुल या मोदी नहीं, माही को बनाओ PM। सांस रोक देने वाले मैच के बाद फैंस चाहते हैं धोनी बने प्रधानमंत्री। लंबे व्हील बेस वाली फोक्स वेगन टिकुआ और प्लेक्स भारत में होगी लॉन्च। श्रीलंका धमाकों में शक की सुई इस संगठन पर और बौद्ध मूर्तियां तोड़ने पर भी आया नाम। पृथ्वी दिवस में गूगल डूडल ने दी कई इतिहास से जुड़ी पुरानी जानकारियां। ADR रिपोर्ट के अनुसार तीसरे चरण में सबसे ज्यादा जघन्य अपराध करने वाले प्रत्याशी। अमित शाह ने कहा, साध्वी प्रज्ञा पर हिंदू टेरर के नाम से फर्जी केस लगाया गया था। करोड़ों लोग अपने अकाउंट का पासवर्ड रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैक होने के सबसे ज्यादा आसान। Realme 3 Pro को आज भारत में किया जाएगा लॉन्च। फोन में दिया जाएगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब व्हाट्सएप में इमोजी को बना सकेंगे स्टेटस, कंपनी फीचर पर कर रही है काम। स्पाइसजेट और एमिरेट्स के बीच हुआ करार, कर पाएंगे अब एक दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल। जेट एयरवेज के बहाने केंद्र सरकार पर शिवसेना का निशाना, कहा नेहरू और इंदिरा की दृष्टि दूरदृष्टि थी। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, EPFO डेटा का दावा, फरवरी में 8.61 लाख नौकरी मिलेगी। PM मोदी के रोड शो के लिए तैयार हो रही है काशी नगरी, हुआ नमो टीम का गठन। IBC में नहीं जाना चाहते जेट एयरवेज के कर्जदाता, बोली प्रक्रिया को काफी उम्मीदें। साध्वी प्रज्ञा पर भड़के शिया धर्मगुरु, PM मोदी से कहा रोक लो इन्हें, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। चुनावी चेकिंग के दौरान इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेसवे में सफर कर रहे यात्री के पास मिले 2 लाख रुपए। जेट एयरवेज के लिए अच्छी खबर, एयर इंडिया पट्टे पर ले सकती है उसके विमान। पाकिस्तान अगर हमारा पायलट नहीं लौटाता तो वो कत्ल की रात होती, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। SBI ग्राहक ध्यान दे, सिर्फ 16,500 ATM पर मिलती है बिना कार्ड पैसे निकालने की सुविधा। जियो ग्राहकों के लिए खुशखबरी जारी हुआ, जियो टीवी का नया अपडेट, 600+ HD चैनल, 250 रुपए में LED स्मार्ट टीवी ले जा सकते हैं अब अपने घर, आया जबरदस्त ऑफर। पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुआ बदलाव, आगे बढ़ने की संभावना। चेन्नई सुपर किंग्स के हार के बावजूद ट्विटर पर छाए महेंद्र सिंह धोनी, आर्थिक आरक्षण से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बढ़ेंगे 400 शिक्षकों के पद। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पीछे बहुत बड़ी ताकत, CJI ने कहा। PM मोदी का ऐलान, जनधन योजना के तहत खुले खातों का जमा राशि जल्द होगी 1 लाख करोड़ के पार। तो ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। हम कुछ अन्य खबरों को लेकर के, देखते रहे हमारा न्यूज चैनल। और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।